ये देव भूमि का अमृत है, कभी गंगा के नाम से मैदानों तक पहुंचता है तो कभी यमुना के नाम से। लेकिन हमारी आज की कहानी काली नदी से पानी पीती है। जी हाँ, उत्तराखंड की काली नदी पर बनने जा रहा है देश का सबसे बड़ा बांध। इस बांध के लिए जगह तय हो चुकी है, जमीन तय हो चुकी है और इस बांध का नाम है पंचेश्वर बांध। लंबाई चौड़ाई के हिसाब से देखें तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल शंघाई का थ्री जॉर्ज डैम दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। पंचेश्वर बांध काली नदी पर बनना है, जिसमें नेपाल का भी कुछ हिस्सा शामिल है। इस बांध का इलाका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से लेकर चंपावत और अल्मोड़ा तक फैला है। बांध की डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बताती है कि बांध का काम 2018 से शुरू होना है और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो साल 2026 से बांध में पानी भरना शुरू हो जाएगा। ये बांध इतना बड़ा है कि इसे पहली बार भरने में ही करीब 2 साल लग जाएंगे, यानी इसमें से पहली बार बिजली बननी 2028 से शुरू होगी। पंचेश्वर बांध के साथ ही एक और छोटा बांध रूपाली गार्ड भी बनेगा। मुख्य बांध में पानी भरने के बाद जो झील बनेगी उसका फैलाव 116 वर्ग किलोमीटर तक हो जाएगा। एक सिरे से दूसरे सिरे को नापने की बात करें तो इस झील की लंबाई होगी करीब 90 किलोमीटर, यानी कि कानपुर से लेकर लखनऊ तक का इलाका। इस बांध में 6 टनल होंगी, 2 पावर हाउस लगेंगे और 1200 मेगावाट की 4 टरबाइन यहाँ दिन रात काम करेगी। अब जरा सांस रोक कर सुनिए इस बांध की लागत। तो जनाब, ये बांध बनने में खर्च होंगे 40,000 करोड़ रुपए। जाहिर सी बात है कि जब बांध की लागत इतनी विशाल है तो इसके फायदे भी बड़े ही होंगे। इस पंचेश्वर बांध से 4,800 मेगावाट बिजली मिलेगी, जबकि इसके सहायक बांध रूपाली गार्ड में पैदा होगी करीब 240 मेगावाट बिजली। मुख्य बांध यानी पंचेश्वर बांध की ऊंचाई जहां 311 मीटर होगी, वहीं रूपाली गार्ड 95 मीटर तक ऊपर जाएगा। बांध के नफा नुकसान को समझने के लिए वैसे तो जन पंचायतें शुरू हो चुकी हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस बांध के बनने के लिए जो इलाका तय किया गया है उसका क्या असर होने वाला है। पंचेश्वर बांध से उत्तराखंड के 134 गांव प्रभावित होंगे, जिसमें पिथौरागढ़ के 87, चंपावत के 26 और अल्मोड़ा के 21 गांव शामिल हैं। इस बांध से जिस आबादी पर असर होने की आशंका है उसमें उत्तराखंड के करीब 33,000 और नेपाल के 12,000 लोग चिन्हित किए गए हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इस बांध से प्रभावित होने वाले लोगों के लिए पुनर्वास की कोई योजना नहीं है। हर गांव वाले को उसकी जमीन या मकान के बदले सरकार एक मुश्त नकद धनराशि देगी, ताकि वो अपनी पसंद और अपनी सहूलियत के हिसाब से जहां चाहे वहां जाकर नई जिंदगी शुरू कर सकता है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, देहरादून।